yes, good evening, Tanish. Find the missing frequencies F1 and F2 if the mean of the missing frequency distribution is 21.4 and total frequency is 40. ठीक है तनिष्क, क्वेश्चन नंबर 35 करना है आपको? यस ओके ठीक है ना, कर लेते हैं 35 क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। क्लास है ना, क्लास कौन सी है ना, क्लास कौन सी है? 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 है ना, 32 से 40। मैं रहता ना तुम्हें जगह तो मैं भी यही बोलता कि सर 10th क्लास है, ठीक है 40 तक ही है ना, 32 से 40 है ना। फ्रीक्वेंसी बता दो क्या मुझे, क्या है फ्रीक्वेंसी f क्या है यहाँ पे? 6 f i 10 f2 10 और फिर है f2 फिर लास्ट में क्या है 9 है ना, यही है ना। अब देखो इनका सबका सम कितना हो रहा है, इनको जोड़ोगे तो कितना हो रहा है? 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 9 25, कितना हो रहा है 25 है ना, प्लस और ये कितना है f1 प्लस f2, ठीक है इनको जोड़ोगे तो कितना होगा 25 प्लस f1 प्लस f2 यही होगा सिग्मा f। तनिष्क हेलो, है ना इनको जोड़ेंगे ना हम सिग्मा f निकालेंगे। देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा f x अपॉन f i ना, एफ आई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कौन एफ आई है ना, तो समीशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है हमारे पास में, तो ये आ रहा है 25 प्लस ना क्या 15, नहीं इनको जोड़ेंगे ना हम, एफ आई है ना ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 6 प्लस 10 16 प्लस 9 तो 25 हो गया, और एफ वन एफ टू भी तो फ्रीक्वेंसी है तो ये हो गया एफ 25 प्लस एफ वन प्लस एफ टू, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है सिग्मा एफ दिया हुआ है। देखो आप sum of all the frequencies क्या दिया हुआ है, sum of frequencies given देखो क्वेश्चन में, नहीं 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 ये तो mean है हमारे पास, if the sum of frequencies देखो, हाँ total frequencies 40 ना, तो sum of frequencies equal to 40 है ना, तो sigma fi 40 आ रहा है उधर, और इधर क्या आ रहा है 25 plus f1 plus f2, तो यहाँ से आपको समझ में आया, यहाँ से क्या समझ में आया हमें कि 25 अगर उधर चले जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही कहना चाहूंगा, तो 15 is equal to f1 plus f2 है ना f1 plus f2 की वैल्यू क्या है 15 है ना, ठीक है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब हम क्या करेंगे, अब वापस हम हमारे इस पे आएंगे, फिर क्या कैसे निकालते हैं हम मीन, तो यहाँ निकालते हैं हम x, x क्या होता है मिड वैल्यू, अपर लिमिट नहीं, प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट का 4 आ जाएगा इसका है ना, और इसका कितना आ जाएगा 12 आएगा, 12 आएगा ठीक है वेरी गुड, फिर इसका कितना आएगा 20 28 36, वेरी गुड 20 28 36 है ना, वेरी गुड शाबाश, ठीक है अब यहाँ क्या निकालेंगे हम, इन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, ये दोनों पास पास में तो मिल लेंगे दोनों, तो ये कितना आ जाएगा एफ आई एक्स आई है ना, इसको आप एक्स आई लिखते होंगे ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 6 4 24 वेरी गुड, फिर यहाँ आएगा 12 एफ वन है वो 200 है ना, 200 फिर 28 F2 ठीक है, और नाइन अच्छा 324 नाइन थ्री 36 और नाइन थ्री सा कितना आ रहा है 324 नहीं 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 306 आएगा ना, 9 9 1 0 9 9 2 3 कितना आता है 9 4 36 324 आता है, ओके 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 सॉरी 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 मैं 4 टाइम्स कर लिया मैंने 324 शाबाश, ठीक है इनको हम सम करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, मैंने है ना इसको 34 से मल्टीप्लाई कर लिया ठीक है, क्या आएगा सम 4 4 8 5 4 8 प्लस 12 एफ वन प्लस 28 एफ टू 5 4 8 प्लस 12 एफ वन प्लस कितना एफ टू 28 एफ टू ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ यहाँ समझ में नहीं आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है 528 प्लस 12 एफ वन प्लस 28 एफ टू ठीक, ये बस आ रहा है, हम निकाल लेंगे मीन, मीन का मीन कितना गिवन है हमें 21.4 ये 21.4 गिवन है, बस अब हम डालेंगे मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई
डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, तो मीन की वैल्यू है 21.4 इज इक्वल टू, और ये कितना है 500 है. अच्छा, इसको देखो एक मिनट, इसको देखो, इसके अंदर है सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है हमारे पास में, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है 528 प्लस 12 एफ आई 548 है, 548 प्लस 12 एफ वन प्लस 28 एफ टू है ना. और हमारे पास में जो सिग्मा वो एफ वन प्लस एफ टू की वैल्यू आई थी यहाँ पर 15 आई थी है ना, तो हम यहाँ इसको भी लिखेंगे एफ वन की वैल्यू कितनी है, एफ वन प्लस एफ टू की वैल्यू कितनी है, ये है 15 है ना. तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, कि एफ वन इज इक्वल टू 15 माइनस एफ टू, ऐसा कर सकते हैं क्या हम, ऐसा नहीं आएगा अभी नहीं, ऐसा कर लेंगे हम, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. नहीं नहीं ऐसा यहाँ से भी कर सकते हैं हम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखो यहाँ से करते हैं ना तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है. कैसे, सिग्मा एफ वन की वैल्यू क्या होगी 15 माइनस एफ टू, ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारे पास में एफ वन की, तो हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 548 प्लस यहाँ पर एफ वन की वैल्यू डाल रहे, तो 12 इंटू 12 ब्रैकेट 15 माइनस एफ टू प्लस 28 एफ टू, यहाँ तक आया समझ में आपको, ये आ जाएगा 548 प्लस 15 इंटू 12, तो 15 टेन्स 150 होता है, और 15 टू 30 तो 180 हो जाएगा, है ना, माइनस 12 एफ टू है ना प्लस 28 एफ टू, यहाँ तक आया समझ में, है ना. अब देखो 180 को इसके अंदर प्लस करेंगे है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसके अंदर से 20 कम कर लो तो 28 हो जाएगा, 677 28 है ना. देखो 548 है ना, इसके अंदर से 20 कम कर लो आप पहले, तो कितना आएगा 528, और उसके अंदर 200 बढ़ा दो, तो 528 के अंदर 628 728 728 आ गया यहाँ पर, फिर इन दोनों माइनस करो तो कितना आएगा 28 में से 12 जाएंगे 16F2 प्लस 16F2 है ना. ये किसकी वैल्यू हो गई आपका, सिग्मा एफ आई एक्स आई की, ठीक है. बस अब तो कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन के अंदर है ना, 21.4 है ना, 21.4 ही है ना, इज इक्वल टू 21.4 इज इक्वल टू ये कितना है 728 प्लस 16F2, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास में 4040 दिया हुआ है ना, है ना, वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 414 इंटू 4 इज इक्वल टू 728 प्लस 1642, कितना होगा 4 4 16 6 856. हाँ 856, वेरी गुड, 856 हो रहा है, इज इक्वल टू 728 प्लस कितना है 16F2 ना, ये इधर चला जाएगा माइनस का, माइनस 728 इज इक्वल टू 16F2 है ना, कितना बन रहा है ये 128 इज इक्वल टू 16F2, और ये इसको डिवाइड कर लेंगे हम, F2 इज इक्वल टू 128 is divided by 16, है ना? 16 8s are. F2 is equal to, है ना? तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगी F1 plus F2 जो था 15, है ना? और F2 ने धोखा कर लिया यहाँ से, F2 ने तो अपने पत्ते खो दिए, तो कितना आ गया था? ये था 8, है ना? तो ये आ जाएगा 15, कितना आ रहा है? 7 आ रहा है ना? हाँ. ठीक है, तो missing frequencies क्या हैं? 7 and 8, F1 is equal to 7. And F2 is equal to 8, ठीक है, ये थी missing frequencies, ठीक है, आया समझ में आपको? हाँ. Very good, ठीक है, और कोई सा question आपको? हाँ. बताइए कौन सा question? और नहीं है कुछ. Okay, ठीक है ना, तो आपको समझ में आया था, please feedback दे दीजिए, ठीक है ना तनिष्क? Okay, have a nice day, bye तनिष्क.